अद्यानुवाद इति पाठ्यते हितोपदेशः मित्रलाभः शास्त्री प्रथम वर्षम अनुवाद प्रथम पत्र विषय संस्कृत साहित्य अंश का स्थान सहस्त्राणी है स्थान शतानी चार दिवसे दिवसे मूत मार संधि न परिणतम सहस्त्राणी का अर्थ हो गया हजार
शोक स्थान का मतलब है शोक के स्थान, शोक के हजारों है स्थान स्थान सौ है के सैकड़ों स्थान से बीजते प्रतिदिन अर्थात नित्य मूल मानसि मूर्ख की मानसि अर्थ हो गया विचलित होते हैं न पंडितम पंडित नहीं। इस लौकिक जगत में मनुष्य के सामने है जो सामान्य है उसमें मुख्य नहीं बनने के लिए है वह हवा जाता है क्योंकि पंडित है जिसको कहते हैं चक्र निपुण है जिसमें धन जो है वह विचलित तो वस्तु पंडित तथ्यपूर्ण है जिसे नारायण पंडित ने संग्रामशाल प्रस्तुत किया है प्रस्तुत पद्यकानुवाद है शोक स्थान सहस्थान भय स्थान स्थान चा दिवसे दिवसे मानसंति न पंडितम मूर्ख मनुष्य के समक्ष मूर्ख मनुष्य के समक्ष नित हजारों शोक के स्थान तथा सैकड़ों भय के स्थान उपस्थित हुआ करते हैं। कहने का मतलब है कि मूर्ख मनुष्य के समक्ष प्रतिदिन सैकड़ों शोक के स्थान और भय के स्थान उपस्थित हुआ करते हैं परंतु मूर्ख लोग ही विचलित होते हैं पंडित नहीं। हजारों भय के स्थानों से शोक के स्थानों से और सैकड़ों भय के स्थानों से होते हैं पंडित
how you have. Bodhavyam mahat bhaya upasthitam maran vyadhi shokanam kimati nirvishati. Hi, hi. Hiyo, hi. Uthkar. Hiyo, hi. Jabhi, uthkar. Bodhavyam. Vichar karna chahiye. Mahat bhayam upasthitam. Bade bhay ko upasthit hone par. Maran. मृत्यु व्याज नो तो किम अति निपतिष्यति माने मरण जो और सो न जान कब आ जाएगा इसका कोई पता नहीं. उत्थाय बोधव्यम महत है वो उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम की मध्य निपतिष्यति. संसार के प्राणियों को नित्य उठकर विचारना चाहिए कि जानना चाहिए और हमेशा सचेत रहना चाहिए कि आज मृत्यु रोग शोक आदि विपत्तियों में से कौन सी विपत्ति आने वाली है अर्थात न जाने कौन सी विपत्ति आ सकती है. कोई भी आ सकती है. अतः बुद्धिमान मनुष्य को इसके लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए.